द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया हिंदी समरी। दूसरे विश्व युद्ध का समय था और लंदन में इस समय बमबारी हो रही थी। वहां रहने वाले चार बच्चों पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी और को उनके माता पिता प्रोफेसर कर्क नाम के आदमी के घर भेजते हैं। प्रोफेसर कर्क एक छोटे शहर में रहते थे जहां भी युद्ध का प्रभाव नहीं था और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे वहां सुरक्षित रहेंगे। प्रोफेसर के घर एक दिन छुपन छुपाई हाइड एंड सीक का गेम खेलते हुए लूसी एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन इसके जरिए वे एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। वहां इस वक्त बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी, तभी उसने एक लैंप पोस्ट दिखाई देता है। वहां उसे टिमनस नाम का एक विचित्र जीव मिलता है जो आधा नर और आधा बकरा था, लेकिन टिमनस बहुत अच्छे दिल का था। वह लूसी को बताता है कि जादुई दुनिया का नाम नार्निया है और इस वक्त वहां पर दुष्ट व्हाइट विच का कब्जा है। व्हाइट विच ने वहां सर्दियों का मौसम बना रखा था और सबको आदेश दिया था कि अगर नार्निया में कोई भी इंसान आता है तो उसे व्हाइट विच के पास लाया जाए, लेकिन टिमनस लूसी की खरीदारी करता है और बाद में उसे फिर से अलमारी के जरिए घर भेज देता है। वापस पहुंचकर लूसी अपने भाई बहन को नार्निया के बारे में बताती है, लेकिन वे उस पर कोई यकीन नहीं करते। एक रात लूसी फिर से अलमारी के द्वारा नार्निया पहुंच जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई एडमंड भी उसके पीछे पीछे नार्निया पहुंच जाता है। वह वहां इधर उधर भटकने लगता है, तभी उसे व्हाइट विच मिलती है। वह उसे टर्किश डिलाइट नाम की मिठाई खिलाती है और उससे सारे राज पूछती है। एडमंड उसे अपने भाई बहनों के बारे में बता देता है। व्हाइट विच उससे कहती कि वह अपने सभी भाई बहनों को उसके पास लेकर आए, बदले में उसे रोज टर्किश डिलाइट देगी और उसे नार्निया का राजा भी बना देगी। एडमंड लालच में आकर इससे सबके लिए मान जाता है। इसके बाद व्हाइट विच वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद लूसी वहां आ जाती है। फिर भी दोनों आपस में वापस घर चले जाते हैं। लूसी फिर से पीटर सूजन को नार्निया के बारे में बताती है और कहती है कि इस बार एडमंड भी उसके साथ था, लेकिन जब एडमंड से पूछा जाता है तो झूठ बोल देता है कि वह तो घर में ही था। यह सुनकर लूसी बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक दिन खेलते हुए बच्चों की खिड़की का शीशा टूट जाता है। वे प्रोफेसर के डर से उसी अलमारी में छुप जाते हैं, लेकिन उसके जरिए नार्निया पहुंच जाते हैं। जब वे देखते हैं कि नार्निया नाम की जादुई दुनिया सच में थी तो वे एडमंड को डांटते हैं क्योंकि उसे झूठ बोला था। पीटर उसे लूसी से अपोलोजाइज करने के लिए भी कहता है। फिर वे टिमनस के घर जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि व्हाइट विच टिमनस को पकड़कर अपने किले में ले गई थी क्योंकि उसने लूसी को उसके हवाले नहीं किया था। फिर वे बोलने वाले दो बीवर्स से मिलते हैं। वे कहते हैं कि नार्निया का असली राजा असलान नाम का शेर है, लेकिन व्हाइट विच ने उसे हरा दिया था। असलान फिर से अपना किंगडम वापस पाने की कोशिश कर रहा था और ये भविष्यवाणी हुई थी कि जब आदमी के चार बच्चे नार्निया के सिंहासन पर बैठेंगे तो व्हाइट विच का रूल खत्म हो जाएगा। इसी दौरान एडमंड चुपके से वहां से निकल जाता है और व्हाइट विच के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब विच देखती है कि वह अकेला ही आ गया तो उस पर बहुत गुस्सा होती है। वह उसे जेल में डाल देती है और जहां टिमनस भी कैद था। एक दिन वह एडमंड से उसके भाई बहनों की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन उसे बताने से मना कर देता है। विच उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन टिमनस उसका विरोध करता है। तभी विच अपने जादू से उस पत्थर की मूर्ति बदल देती है। इसके पश्चात व्हाइट विच बाकी के तीनों बच्चों को पकड़ने के लिए अपनी कुकार भेड़ी भेज देती है। एक दिन पीटर, लूसी और सूजन दोनों बीवर्स के साथ नॉर्थ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं। वे इन तीनों को कुछ चीज देते हैं। पीटर को तलवार और एक ढाल देते हैं, सूजन को तीन तीर कमान देते हैं और लूसी को एक सीसी देते हैं जिसकी दवाई हर जख्म को भर सकती थी। ये सब पाने के बाद वे असलानी की खोज में चल पड़ते हैं। एक जगह भेड़िए उन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी बर्फ फूट जाती है और वे उनसे बचकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आखिर एक दिन वे तीनों असलान के कैंप तक पहुंच जाते हैं। असलान उनका स्वागत करता है और कहता है कि व्हाइट विच से लड़ने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। वहां रहते हुए एक दिन दो भेड़िए उन पर आक्रमण करते हैं, लेकिन पीटर उन दोनों को मार देता है। असलान के सैनिक बाकी भेड़ियों को मारते हुए व्हाइट विच के लिए किले तक पहुंच जाते हैं और एडमंड को छुड़ाकर ले आते हैं। एक दिन व्हाइट विच वहां आ जाती है और असलान से कहती है कि जंगल के संविधान के मुताबिक एडमंड पर उसका अधिकार है और एडमंड उसे सौंप दिया जाए, लेकिन
अस्लान एडमंड के बदले खुद को व्हाइट विच को सौंप देता है। इससे वह खुश हो जाती है और सोचती है कि अस्लान को मारकर वह पूरे नार्निया पर एक क्षत्राधिकार कर लेगी। फिर वह अस्लान को लेकर किले में चली जाती है, लेकिन सूजन और लूसी भी चुपके से उसके पीछे चली जाती हैं। एक रात को व्हाइट विच अपनी आर्मी के सामने अस्लान की बदली देकर उसे मार देती है और अपनी आर्मी को अस्लान की आर्मी से लड़ाई के लिए भेज देती है। यह देखकर सूजन लूसी पीटर को वार्निंग भेज देती है। पीटर अस्लान की आर्मी का सेनापति बन जाता है और सबको लड़ाई के लिए तैयार कर देता है। कुछ समय बाद दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। दूसरी तरफ अस्लान फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर लूसी और सूजन बहुत खुश हो जाती है। अस्लान उन्हें बताता है कि वह पुरानी मैजिक की वजह से हुआ। अगर कोई खुद ही व्हाइट विच के सामने खुद को सेक्रीफाइस करता है तो वह मरकर फिर से जिंदा हो सकता है, और यही अस्लान के साथ भी हुआ था। इसके बाद अस्लान उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और व्हाइट विच के किले में चला जाता है। वहां पे पत्थर बना दिए गए सब लोगों को फिर से जिंदा कर देता है और उन्हें व्हाइट विच से लड़ने के लिए कहता है। सब लोग व्हाइट विच की आर्मी से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उसकी सेना हारने लगती है। एक समय व्हाइट विच पीटर पर हमला करती है, लेकिन एडमंड उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। यह देखकर अस्लान व्हाइट विच पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। इसके बाद व्हाइट विच की सेना हार जाती है। लूसी अपनी बोतल की दवाई एडमंड के जख्म पर लगा देती है और वह ठीक हो जाता है। फिर पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी को अनान्या के राजा और रानी बना दिया जाता है। वे चारों 15 साल तक वहां राज करते हैं। एक दिन वे चारों एक हिरन का पीछा करते हैं और सेलवारी प्रवेश कर जाते हैं और उसके जरिए घर पहुंच जाते हैं और फिर से बच्चे बन जाते हैं। घर पहुंचकर वे देखते हैं कि नार्निया में उन्हें 15 साल हो गए थे, लेकिन यहाँ उन्हें खेलते हुए कुछ ही घंटे बीते थे।